मतलब हम कितना भी ठान ले यार, इन पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे। ये अगले दिन आके कुछ ऐसा कर देंगे कि इनको हमें फिर रेलना पड़ेगा। ये जो है ना पार्ट टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलवी, ये यार जब भी नेशनल टीवी पे बैठते हैं ये मुंह से गंदी बकते हैं यार, बिना लॉजिक का, बिना हाथ पैर का बात करेंगे। और फिर अगले दिन इन्हीं के मुल्क के क्रिकेटर वासीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे आके इनको फिर रथाड़ेंगे यार, फिर भी ये अपने आदत से बाज नहीं आते। अभी ये देखो ये गेंडा जो है मौलवी इंजमामुल हक, ये देखो क्या बोल रहा है यार, फिर बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये अरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था नए बॉल के साथ, इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए, कुछ लगता है कुछ हो रहा था इनजी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। देखो ये कहना क्या चाहता है, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, देखो अर्शदीप सिंह ने जो 15वां ओवर डाला था ट्रेविस हेड के सामने, जो एक फुल टॉस डाली थी उन्होंने और गेंद रिवर्स स्विंग हुई थी, जो पंत मिस किए थे और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी, इसका कहने का मतलब है कि 15वें ओवर में यानी इतनी जल्दी गेंद रिवर्स स्विंग कैसे हो सकती है, यानी उसको 2-3 ओवर पहले ही तैयार किया गया है गेंद को, यानी इसका इशारा है कि बाल के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है और वो भी 12वें 13वें ओवर में, तभी जाके गेंद 15वें ओवर तक रिवर्स स्विंग के लिए रेडी हो पाई है। और ये अंपायर को भी नसीहत दे रहा है कि अपनी आंखें खुली रखो, मतलब अबे घोंचू यार, वहां 500 कैमरे लगे हैं भाई, वहां अंपायर का नजर ही है क्या सिर्फ देखने के लिए? 500 कैमरे फिर क्यों लगाए गए? और इसके साथ जो बैठा है देखो, ये पता नहीं कौन है, इसको कोई नहीं जानता, ये बोल रहा है कि इंडिया जैसी टीमों के साथ ऐसा ही होता है, आईसीसी और अंपायर्स अपना नजर बंद कर लेते हैं, मतलब हद है यार इनकी, मतलब यार इनसे खुद का क्रिकेट तो संभाला नहीं जा रहा है, खुद के क्रिकेट में ऐसा ही इतना भसड़ मचा हुआ है। अब आपस में ये लोग लड़ उड़ लिए जितना लड़ना था, अब इनका पूरा फोकस हो गया है इंडिया की तरफ, अब अपने से इनका फोकस हट गया, अब ये इंडिया को थोड़ा कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा आके और फिर अपना इनका रोजी रोटी चलता रहेगा। मतलब यार ये पाकिस्तानी कितना भी मीठा बोल ले, कितना भी मीठा इंडिया में आके या फिर कहीं भी, ये जो आईसीसी इवेंट्स हैं इसमें इनकी बातें सुनिएगा, उसमें अलग होता है, लेकिन जैसे ही अपने मुल्क के नेशनल टीवी पर बैठते हैं इनका रवैया एकदम से बदल जाता है। अगर आप आज सोच रहे हैं ना कि ये खिलाड़ी बढ़िया है, ये थोड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान का सही लगता है यार, अगले दिन वो ऐसी भसड़ मचाएगा ना, मतलब पूछिए मत। मतलब यार इन पाकिस्तानियों का दिन दशा तो वैसे खराब चल रहा है, इनकी क्रिकेट वैसे ही पूरा गर्त बनी हुई है, एकदम गड्ढे में गिरी हुई है। ऊपर से इनके चिढ़ने का कई कारण है, इंडिया तो क्वालिफाई कर ही गई सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर, और इनके अफगानिस्तान जिनसे इनको बहुत चिढ़ होती है भाई, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो भाई ही है ना यार इनके, वो भी तो इस्लामी को मानने वाले हैं भाई, फिर भी पता नहीं इनको क्या चिढ़ होती है उनसे, वो भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब चीज। ऐसे जो गंद है ना ये अब हमेशा देखने को मिलेंगे आपको, जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता तब तक इनके मुंह से आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती रहेगी। वैसे तो ये हमेशा ही भारत के खिलाफ गंद बकते हैं, लेकिन अभी चिढ़े हुए हैं ये। इंडिया में कुछ है ऐसे पत्रकार, कुछ क्रिकेटर जो बोलते हैं इंजी भाई यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत नेक इंसान है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं है भाई जैसा आप सोचते हैं, कोई भी एक बंदा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलेगा, अगर कोई मिलेगा तो उसको जरूर कुछ ना कुछ लाभ है, जरूर कुछ ना कुछ उसमें उनका उसका स्वार्थ छिपा हुआ है, बाकी ये सारे सेम है भाई, ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, एकदम इनके माइंड में जहर भरा हुआ है और वो कहीं ना कहीं उगल देते हैं, ये खूब चाहते हैं कि रोके लेकिन ये रोक नहीं पाते हैं, ये कहीं ना कहीं उसको उगल ही देते हैं, और खासतौर पर जब ये नेशनल टीवी पर बैठते हैं। तो अपनी भी राय भाई बता देना कमेंट में यार, थोड़ा सुना दो यार इनको कुछ, धन्यवाद।